Assalamu alaikum, respected doctors. Welcome to my YouTube channel, MBBS and BDS lectures. आज का जो हमारा वीडियो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 330, मतलब 329 और भी इसी तरह के वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पर. और लेक्चर जो आज हमारा है वो है हेड एंड नेक एनाटॉमी रिलेटेड. और हमारा जो टॉपिक है आज वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्कल. स्कल की इंट्रोडक्शन, स्कल की सीरीज की पहली वीडियो है. पांचवे वीडियो में हम कंप्लीट स्कल को कवर करेंगे. तो आज जो हमारा टॉपिक आउटलाइन है इंट्रोडक्शन ऑफ स्कल में वो क्या है, वो चार है. सबसे पहला है डिफिनेशन, स्कल को हम कैसा डिफाइन करते हैं. दूसरा जो है हमारे साथ है फंक्शन, स्कल का फंक्शन क्या है. तीसरे नंबर पर डिवीजन स्कल का, कौन किस तरह डिवाइड करते हैं. और चौथे नंबर पर नंबर ऑफ बोन ऑफ स्कल, स्कल में नंबर ऑफ बोन कितने हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन ऑफ स्कल से कि स्कल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं. हम कहते हैं कि स्कल एक बोनी फ्रेमवर्क है जो एक करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर शेप देता है हेड को. यह है डिफिनेशन. दूसरे नंबर पर है फंक्शन. फंक्शन जो स्कल का है वो ये है कि स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू, स्पेशली ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो है वो सॉफ्ट टिश्यू है. तीसरे नंबर पर अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ स्कल. स्कल को हम डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ स्कल. आमतौर पर हम स्कल को जो है डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, टू पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है हमारे साथ है क्रीनियम, या उसे कहते हैं न्यूरोक्रीनियम. क्यों क्रीनियम या न्यूरोक्रीनियम क्यों कहते हैं, न्यूरो क्योंकि ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसे कहते हैं क्रीनियम. दूसरा हमारे साथ है फेस, या उसे कहते हैं विज्रोक्रीनियम. क्यों, क्योंकि जो फेस में जो सॉफ्ट टिश्यू है विज्रा है उसको ये सपोर्ट करता है. क्या करता है, बिकॉज फेस सपोर्ट फेस सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि जो डिवीजन ऑफ स्कल में जो फेस है बोनी वो सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करता है. तो अब हम देखते हैं ये हमारे साथ है न्यूरोक्रीनियम, जिसको क्रीनियल वॉल्ड भी कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन के लिए, हाउस भी हो और उसको प्रोटेक्ट भी करता है. ये है इसका डायग्राम. दूसरे नंबर पर हम देखेंगे विज्रोक्रीनियम के डायग्राम. ये हमारे साथ है विज्रोक्रीनियम, जिसमें फेस और जाज आते हैं. क्यों विज्रोक्रीनियम कहते हैं, क्योंकि ये फेस की जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको सपोर्ट करता है. उसके बाद क्या है, अब जो हमारे साथ जो क्रीनियम है, जो न्यूरोक्रीनियम है, उसको फिर हम फर्दर जो है वो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं. एक हमारे साथ है रूफ ऑफ द क्रीनियम, क्रीनियम का छत, या उसे कहते हैं स्कल केप, स्कल की केप, या उसे कहते हैं कालवेरिया. दूसरा हमारे साथ है क्रीनियम बेस, क्रीनियम का जो बेस है. अब यहां पर हम डायग्राम से समझेंगे, ये जो एक दूसरे से कटा हुआ है, जो ऊपर है वो केप है, जो नीचे है बेस के अलावा वो क्या है, वो हमारे साथ है क्रीनियल बेस. फिर उसमें हमारे साथ है इंटीरियर क्रीनियल फॉसा, मिडल पोस्टीरियर, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब चौथा जो टॉपिक आउटलाइन है डिवीजन के बाद, वो हमारे साथ है बोन्स ऑफ क्रीनियम. अब जो क्रीनियम है फेस प्लस न्यूरोक्रीनियम, क्रीनियल 8 बोन होते हैं और फेशियल 14 होते हैं, तो स्कल के टोटल बोन कितने हुए, 22. अब हम पढ़ेंगे, अब तो 22 जो है वो बोन है स्कल के अंदर. अब सबसे पहले अगर हम क्रीनियल बोन पढ़े तो हमारे साथ 8 है. एक हमारे साथ ऑक्सीपिटल है, फिर 2 टेम्पोरल है, 2 पैराइटल है, 1 फ्रंटल है, 1 स्पिनॉइड और 1 इथमोइडल है. आगे जो बोन की डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में अलग अलग पढ़ेंगे. अब यहां पर हम देखते हैं जो हमारे साथ न्यूरोक्रेनियम है, क्रीनियल वॉल्ट, उसमें जो अनपियर्ड बोन है वो 4 है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्पिनॉइड, इथमोइडल, और पियर्ड में हमारे साथ पैराइटल और टेम्पोरल बोन है. उसके बाद जो है हम देखेंगे एक और डायग्राम से, हम देखते हैं हमारे साथ जो क्रीनियम के बोन है, जैसे कि पैराइटल बोन है, स्पिनॉइड बोन है, टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल है, फ्रंटल है, और ये हमारे साथ जो है वो क्रीनियम के बोन है जो 8 है.
उसके बाद हम बेस के हमारे साथ 14 बोन है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे साथ नीचे से ऊपर की तरफ मिंडिबल है, मिक्सिला है, जाइगोमेट्रिक बोन है, लेक्रिमल है, नेजल है, इन्फीरियर कोंका है, पैलेटाइन बोन है और उसके बाद हमारे साथ मिक्सिला है। यहाँ हम यही जो फेस के बोन है जाके इसे कहते हैं विज़ेरोक्रैनियम। अनपियर्ड में हमारे साथ मैंडिबल और रोमर है और पियर्ड में हमारे साथ मिक्सिला है, जाइगोमेटिक है, नेजल है, लेक्रिमल है, पैलेटाइन है और इन्फीरियर कोंका है। डिटेल हर बोन के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम एक और डायग्राम से देखते हैं, हमारे साथ जो नेजल बोन है नोज की रीजन में, उसके बाद हमारे साथ लेक्रिमल है जो मीडियल ऑर्बिट बनाता है, उसके बाद जाइगोमेटिक है, पैलेटाइन है, इन्फीरियर कोंका है नोज में, वोमर है जो नेजल सेप्टम का पोस्टर बॉर्डर बनाता है, मिक्सिला है, मैंडिबल है। उसके बाद हम यहाँ रियल जो स्कल है उसे देखते हैं, फेशियल बोन। इसी तरह हमारे साथ नेजल बोन है, इतमाइड है, वोमर बोन है, कोंका है, मिक्सिला है। तो ये हमारे साथ जो रियल स्कल की पिक्चर है। एक और रियल स्कल की पिक्चर से हम देखेंगे फेशियल बोन को। इसी तरह हमारे साथ मिक्सिला दिया गया है, जाइगोमा है, मैंडिबल है, ये जो है हमारे साथ फेशियल बोन है। तो आज जो हमारे साथ जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्कल था वो हमारे साथ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मल ऑफ स्कल वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स। सबसे पहले अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर एमबीबीएस लेक्चर के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है। वहां आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर नोट्स, पास्ट पेपर, बुक्स सब कुछ मिलेंगे, वीडियोस। दूसरा, अगर आप बीडीएस स्टूडेंट है तो दो चैनल है आपके लिए, फर्स्ट टू फाइनल ईयर बीडीएस लेक्चर्स के नाम से। वहां आपको नोट्स, बुक्स, वीडियोस और एमसीक्यूज बुक सब कुछ मिलेंगे। उसके बाद जो है इन टेलीग्राम चैनल के अलावा हम व्हाट्सएप ग्रुप लाए हैं। हमारे साथ है फर्स्ट बीडीएस ग्रुप फॉर गर्ल्स, फर्स्ट ईयर बीडीएस गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग। उसमें नोट्स हर एक शेयर करेगा, वीडियो, बुक, तो डिस्कशन, क्वेश्चन सब कुछ। उसके बाद सेकेंड ईयर बीडीएस के लिए हम अभी तक सिर्फ बॉयज के लिए ग्रुप लाए हैं, गर्ल्स के लिए अभी तक नहीं बनाया है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो गर्ल्स के लिए भी बनाएंगे। इन सब की जो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल है और हमारे साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी पढ़ाई इंप्रूव हो जाए। और इसके अलावा आप कमेंट करो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट आप किस वीडियो पर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसका भी आप मेंशन करो, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑन करो ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।